जैसे आपको मालूम है कि ये काना में इंसिडेंट हुआ, फोर मर्डर का, और ये एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर था। इसमें हमने बहुत साइंटिफिक बेसिस पे इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया और एक एक पहलू को हमने देखा। इसमें क्राइम सीन की जो हमारी फोटोग्राफी है, PFS ने सैंपल्स कलेक्ट किए, उसके बाद फिर हमने बिट बाय बिट इंटेरोगेट करना शुरू किया। और इसमें दो तीन थ्योरीज थी हमारे पास कि ये पॉसिबल है कि ये प्रॉपर्टी के लिए मर्डर किया गया हो, ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सनल एनमिटी हो, ये भी पॉसिबल है कि कोई इज्जत की या गैरत के एक नाम पे कत्ल कर दिया गया हो, और ये सारी पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन जब हमने देखा और इसको डिटेल से एनालिसिस किया, तो जो हमारी ब्लड ट्रेल थी वो बेसिकली घर के अंदर से ही इनिशिएट हो रही थी और अंदर से बाहर नहीं जा रही थी। तो ये एक बड़ा एक साइंटिफिक एविडेंस था। और साथ में हमें एक सर्वाइवर मिला, जो इस फैमिली का एक सर्वाइवर था, जो कत्ल होने वाली फैमिली है, उसका एक ही बच्चा बचा था, उसका नाम था लीजैन। ऑफ कोर्स वो एक अफेक्टेड भी था और कंप्लेनेंट भी वो खुद ही था इस मुकदमे का। तो हमारा ऑफको शुरू में ये एक पॉसिबिलिटी थी कि वो सर्वाइवर भी एक सस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर चूंकि हमें साइंटिफिक बेसिस पे एविडेंस कलेक्ट करके आगे चलना था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इस केस में जब हमने तमाम एविडेंसेस देखे तो वो इसी बच्चे की तरफ इशारा कर रहे थे। तो जब हमने इसको इंटेरोगेट करना शुरू किया और इसको सवालात पूछने शुरू किए, तो इसकी कॉन्ट्राडिक्शंस सामने आई हमारे, और उन कॉन्ट्राडिक्शंस की रोशनी में हमने ये नतीजा अखज किया कि ये बच्चा जो है बेसिकली इसी ने फैमिली को सारी को मर्डर किया, अपनी फैमिली को। क्यों किया? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बड़ा हमारे लिए एक तहलका खेज था कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को, अपनी दो छोटी बहनों को और अपने एक भाई को, जवान भाई को कैसे मर्डर करेगा और क्यों करेगा। ये जब हमने सारी तहकीकात का आगाज़ किया तो पता चला कि ये बच्चा जो है वो एक पबजी गेम है, उसका बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शौकीन है और हर वक्त तकरीबन ये इसको खेलता है। खुद FSC का स्टूडेंट है, बाहर पढ़ने के लिए एक एडमिशन भी उसने कराया था प्री मेडिकल में रशिया में, और उसकी वालदा ने उसकी फ़ीस दी थी, कोई 60 लाख रुपए फ़ीस थी, वो भी इसकी पे की। ये पबजी की गेम को बड़ा इस अंदाज से खेलता था जैसे कि ये रियल गेम है और उसको बहुत सीरियस लेता था। इस दौरान में जब इसने जब शिकस्त होती थी पबजी की गेम के दौरान, तो ये इसको बहुत ज़्यादा महसूस करता था और साइलेंट हो जाता था, घर से आइसोलेटेड हो जाता था, किसी घर वाले से बात नहीं करता था, किसी मोहल्ले वाले से बात नहीं करता था। और इसको ये भी यानी बड़ा अफसोस और वो एलिमेंट ऑफ शॉक उसके अंदर होता था। तो उसके बाद फिर इसी दौरान जब ये रात को वाकया पेश आया, तो इसमें भी इसने पबजी में मेरा ख्याल है वो शिकस्त हुई या डिफीट हुई, और उसको इसने अपने बहुत मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर। और इसको मालूम था कि एक पिस्टल जो है वो वालदा की पिस्टल जो घर में मौजूद है, वो भी अनलाइसेंस पिस्टल है, वो इसने इस्तेमाल की रात को अपनी, जब वालदा सो गई 2-2:30 बजे के अराउंड। तो पहले सबसे इसने गद्दी रख के ऊपर, जैसे उसकी ताकि साउंड काम आए, वो पहले वालदा को हिट किया, उसके बाद उसकी आवाज़ से जब इसकी बहन उठी तो उसके बाद उसको हिट किया, और फिर तीसरी बहन को सोते हुए इसने कत्ल किया। उसके बाद फिर इसका भाई जो दूसरे कमरे में था वो आवाज़ सुन के बाहर आया, तो उस दौरान में उसको इसने अटैक किया और उसको भी कत्ल कर दिया। ये तमाम फैमिली को कत्ल करने के बाद ये खुद इसके घर के अंदर से ही एक रास्ता नीचे क्लिनिक की तरफ जाता है, वहाँ पे जाके क्लिनिक पे लेट गया और वहाँ तक कि सुबह तक वहीं पे सोया रहा है। और सुबह फिर लोगों ने जब उसकी काम वाली जो है, उसने दरवाज़ा खुला हुआ देखा और सारे लोग मरे हुए देखे, तो उसने फिर 115 पे कॉल की। उसके बाद फिर हमने ये देखा। तो अब हमने ये फैसला किया है कि ये जो पबजी गेम है, इसका बहुत ही डेडली इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी के अंदर, ख़ासतौर पे हमारी जो टीनेजर्स हैं जो इसको बहुत सीरियसली खेलते हैं, ऑनलाइन खेलते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा उनकी इंगेजमेंट होती है। तो इससे पहले भी ये वाकया चूँकि पेश आए हैं लाहौर में कुछ और पंजाब में भी, तो हम मूव कर रहे हैं। हम आई सब को एक लेटर हमने लिखा है कि इसको फेडरल गवर्नमेंट को मूव किया जाए, कि इस पबजी गेम को बैन किया जाए पाकिस्तान में।